अल्लाह अजीज़ तलबा एडवांस ऑडिटिंग के प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी होस्ट सीमा बकरम हमारे साथ मजरशद साहब मौजूद हैं जो कि ऑडिट स्पेशलिस्ट हैं आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए आज हम इनसे यूनिट नाइन के प्रोग्राम वन आई एस ए फाइव ए टी बात करेंगे जो कि रिटर्न रिप्रजेंटेशन से डील करता है इन आज का प्रोग्राम आप सबके लिए नहायत मुस्तफ़ सबित होगा सर मेरा पहला सवाल आपसे ये कि इस आई एस ए का स्कोप क्या है देखिए ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसने किस से रिटर्न रिप्रजेंटेशन लेनी है मैनेजमेंट से लेनी है या दोस्त चार्ज विद गवर्नर से लेनी है ये उसके बारे में आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है सही सर और हमें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताइए इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल यही है कि आपने रिटर्न रिप्रजेंटेशन लेनी है क्योंकि ये आपकी एविडेंस की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी इवन नाट ओनली कि आपकी ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करना है बल्कि आपकी जैरशंस को भी इसमें सपोर्ट करना है और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो रिटर्न रिप्रजेंटेशन हैं, उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है अगर मैनेजमेंट उसके साथ डिसग्री करती है या मैनेजमेंट जो है वो उन्होंने उसके बारे में आपको रिप्रेजेंटेशन में फुल फेयर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी या उन्होंने आपको रिटर्न रिप्रजेंटेशन नहीं दी सही और सर रिप्रेजेंटेशन की है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक रिटर्न कन्फर्मेशन होती है मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ टू वर्ड्स के उन्होंने ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन पूरी दी है लेकिन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आती क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दूसरी चीज़ और जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है सही और सर ऑडिटर जो होता है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को एज एन ऑडिट एविडेंस क्यों इस्तेमाल करता है देखिए ये आपको इंफॉर्मेशन देती हैं जिसमें मैनेजमेंट कंफर्म करती है कि हमारी इंफॉर्मेशन ठीक है हमने जो चीज़ें ऑडिटर को दी हैं वो सारी ट्रू एंड फेयर हुई हैं और जो ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है वो फिर दोनों को बैठ के मैच करता है इसलिए ये ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी एविडेंस को सपोर्ट करती हैं आपको एविडेंस नहीं देती आप एविडेंस को सपोर्ट करती हैं और तीसरी चीज़ के ऑल्टर को जो है वो मैनेजमेंट जो है उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ uh, होती हैं वो फुलफिलमेंट करने के लिए ऑल्टर को अथॉरिटी देती हैं सही और सर उन मैटर्स के बारे में बताइए जिन जिनके लिए ऑडिटर जो है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करता देखिए उसमें तीन मैटर्स हैं सबसे पहला मैटर यह है कि मैनेजमेंट ये कमिट करती है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल की हैं उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं खुद प्रिपेयर की हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ठीक है ये वो पहली जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो इस चीज़ पर देते हैं कि दे हैव फुलफिल्ड दे द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दूसरी चीज़ जो है कि वो ये कहते हैं कि हमने ऑडिटर को सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी और उसको जहाँ जहाँ एक्सेस चाहिए थी वो हमने उसको दी उसने कहीं जाना था कहीं आना था किसी से मिलना था कोई इंक्वायरी करनी थी हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दी तीसरी चीज़ कि जितनी भी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट हुई हैं सारे की सारी रिकॉर्ड हुई सही और सर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा और किन मैटर्स के ऊपर ऑडिटर्स मैनेजमेंट से रिटर्न रिक्वेस्ट करता है उसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है कि आपके जितने आई एस एस है उनकी रिक्वायरमेंट आपके रिपोर्टिंग फार्म की रिक्वायरमेंट्स आपके कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स कंपनी सारों के ऊपर ले सकते हैं सही और सर अगर ऑडिटर को कोई डाउट हो जाए रिटर्न रिप्रजेंटेशन की रिलायबिलिटी के ऊपर तो फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं देखें दो चीज़ें हैं पहला चीज़ ये है कि अगर ऑडिटर को जो है वो मैनेजमेंट की कंपिटेंस उनकी इंटेग्रिटी और उनकी जो ड्यू डिलीजेंस है उसके ऊपर डाउट है दो चीज़ें कि मैनेजमेंट कंपिटेंट नहीं है या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है उन्होंने इसके अंदर गलत चीज़ें डाली होंगी फ्रॉड किए होंगे तो फिर तो सिंपल ये है कि अल्टर ये देखेगा कि फिर ये जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने लिख के दी है ये कितनी रिलायबल है क्योंकि अगर एक बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड कर सकता है तो वो आपको ये भी तो लिख के दे सकता है ना कि जी हमने सब कुछ ठीक किया पहला तो सुनारियो ये है कि आप उसको देखेंगे कि आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो कितनी रिलायबल है ठीक है दूसरा सुनारी ये है कि मैनेजमेंट ने जो उसको लिख के दिया है वो आपकी एविडेंस से टोटली totally इनकसिस्टेंट है मैनेजमेंट कहती है हमारे कंट्रोल इंटैक्ट हैं हमारे कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग हैं जबकि एक्चुअली ऐसे नहीं है तो ये भी एक सिनारियो है तो इनकन्सटेंट होगी ना कि आप क्या कुछ और रहे हैं जबकि काम कुछ और हो रहा है तो इस सिनारी में सबसे पहले तो ये है कि आप अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे कि क्या मैनेजमेंट ठीक कह रही है या हमने जो किया है तो आप एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे टू रिजोल्व द मैटर कि हम फर्दर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहीं हमारी तरफ से तो गलती नहीं हो रही दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि अगर फिर भी मैटर रिजोल्व नहीं होता आपने दोबारा से चेक किया आपने कहा यार कंट्रोल तो वीक है तो फिर आप डाउट करेंगे आप देखेंगे कि यार इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी उनकी कंपिटेंस और जो उनकी एथिकल वैल्यूज़ हैं वो डाउटफुल हैं फिर आप उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे अब ये है कि अगर आपको श्योर sure हो जाता है आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए आपने सब कुछ देख लिया और आपको फ़ील हुआ कि जनाब जो मैनेजमेंट कह रही है वो ठीक नहीं है आपकी रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो रिलाइबल नहीं है तो ऐसी सूरत में आपके पास सिंपल एक ही हाल है कि आप फिर अपनी रिपोर्ट को देखेंगे कि मैंने अपनी रिपोर्ट को कैसे मॉडिफाई करना फिर आपने अपनी रिपोर्ट को कैसे लिख सही और सर बात ऐसा होता है मैनेजमेंट प्रोवाइड ही नहीं करती रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को तो फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए तो सूरत में तो सबसे पहले ये है कि मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें कि जी आप क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं रीज़न क्या है आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते दूसरी चीज़ कि अगर वो डिस्कशन में भी नहीं मानते तो फिर लाजमी बात है कि आपने उनकी इंटेग्रिटी उनकी एथिकल वैल्यूज़ उनको देखें कि क्यों क्या वजह है कि ये इस चीज़ को साइन क्यों नहीं कर रहे हैं अगर स्टेटमेंट्स तो इसका मतलब स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम है और अगर फिर भी नहीं मान रहे तो फिर सिंपल सी बात है कि आप अपनी रिपोर्ट के ऊपर देखेंगे तो इसकी इम्प्लिकेशन क्या आती है उसमें सिंपल आप अपना डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन दे दें कि जी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई ओपिनियन नहीं दे रहे क्योंकि मैनेजमेंट हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही और हमें डाउट है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी नहीं है तो जब आप डिस्क्लेम कर देंगे तो फिर मैनेजमेंट जाने और उसका काम जाए थैंक यू सो मच सर हमें अपना टाइम देने के लिए होपफुली आज का प्रोग्राम आप सबके लिए नहाय मुस्फ़ी साबित हुआ इन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुदाफेज